आज मैं बहुत ही काम में आने वाली वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं घरेलू नुस्खा बता रही हूँ कि किसी को किसी प्रकार का भी चोट का दर्द हो, पुराने से पुराना, या फिर गठिया का दर्द हो, मोच का दर्द हो, या किसी भी प्रकार का दर्द हो, आप इस तरीके से इस उपाय को करेंगे तो आपका दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं आपके साथ नई वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप इसके नाम से तो परिचित होंगे ही, ये अमर बेल है। ये इस तरीके से धागे नुमा रचना होती है, देखने में कुछ इस तरीके से होती है। ये परजी भी होती है, ये अपने सारे से खड़ी नहीं होती है। ये किसी भी पेड़ पर, पौधे पर इस तरीके से परजीवी रूप में चढ़ जाती है। और इसका एक अवगुण और है, जिस पेड़ पर चढ़ जाती है परजीवी होने के कारण उस पेड़ को भी सुखा देती है। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होने के कारण ये बहुत सारी औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे घरेलू नुस्खों में काम में आती है और औषधीय के रूप में यूज किया जाता है। अगर आप भी किसी प्रकार के दर्द से परेशान हैं या फिर आपके घनिष्ठ परिचित परेशान हैं तो आप इस वाले सरल से घरेलू नुस्खे को अपनाइए। सबसे पहले हम इस धागेनुमा रचना के छोटे छोटे पीस कर लेंगे और एक लेंगे हम पेन, उसमें हम तेल को गर्म करेंगे। मैं यहाँ पर एक कप तेल ले रही हूँ और ये सरसों का तेल है। आप चाहें तो नारियल का तेल भी ले सकते हैं, आप चाहें तो सरसों का ले सकते हैं। आपको जो भी तेल यूज करना हो, जिससे मालिश करनी हो, वो वाला आप तेल ले सकते हैं। अब इस तेल में हम इस अमरबेल के टुकड़ों को डाल देंगे जो मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। आप चाहें तो इसी तरीके से भी डाल सकते हैं। और फ्लेम का हम विशेष ध्यान रखेंगे, मीडियम लो रखेंगे, यानी हम इसको धीमी आँच पर ही पकाएंगे। ये वाला नुस्खा हमारा अपनाया हुआ है, कोई सुना हुआ नहीं है, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपको ज़रूर फायदा होगा। और इस अमरबेल के टुकड़े को धीमी आंच पर हम तब तक चलाते हुए पकाएंगे जब तक इसके जो धागे हैं वो डार्क ना हो जाएं, जिससे इसका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी इसमें तत्व हैं, इसके तेल में आ जाएँ। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, धीमी आंच पर इसको अच्छे से पकाएंगे। देखिए धागे का कलर काफ़ी, अमरबेल का कलर काफ़ी बदल गया है और पकाते हुए मुझे करीब 20-25 मिनट हो गए हैं। आप देख भी सकते हैं कि देखने में इसका काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको पूरा ठंडा होने देती हूँ। अब हमारा तेल पूरी तरह से ठंडा हो गया है। मैंने एक बाउल लिया है और उसमें इस तेल को हम चलनी की सहायता से छान लेंगे, जिससे इसमें जो भी अमरबेल के धागे हैं वो अलग हो जाएंगे और तेल हमारा अलग हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बहुत ही गुणकारी तेल बनकर के रेडी हो गया है। इसमें ना कोई केमिकल मिलाना है और ना ही किसी प्रकार की हमें कोई और चीज़ मिलानी है। बस आप इसी तेल को जहाँ भी दर्द हो आप वहाँ उसको लगातार मालिश करें, तो वो दर्द है, कितना भी पुराने से पुराना दर्द हो, चोट का दर्द हो, गठिया का दर्द हो, या फिर किसी भी प्रकार का मोच का दर्द हो, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो ये तो हमारा तेल बन करके तैयार हो गया है। अब लेंगे हम एक बर्तन और उसमें लेंगे पानी। जैसे ही हमारा पानी हल्के से गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे कुछ अमरबेल के पीस। अगर आपके आसपास कहीं अमरबेल मिल जाए तो आप इसको बना सकते हैं। आप एक या दो दिन इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा, लेकिन ये वाला नुस्खा भी बहुत ही कारगर है। ये वाला नुस्खा बहुत ही पुराना और कारगर है। अगर आपको चोट का दर्द है, किसी प्रकार का दर्द है, या आपके रिलेटिव्स को है, तो आप इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। अब देखिए पानी को खोलते हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं और इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। इतना ठंडा हो जाए कि ये हमारे पैर को सिकाई करने लायक हो जाए या हमारे सहन करने लायक हो जाए। तो आप इसमें पैर रख करके या फिर आप इससे सिकाई कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, बोतल में भर के या कैसे भी, और इस वाले तेल से आप मालिश कर सकते हैं। और इस तरीके से बना करके आप तेल को शीशी में भर के रख लीजिए, जब भी आवश्यकता हो आप मालिश कीजिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस भाग की आप मालिश करें और मालिश करने के बाद उसको आप ढक करके घंटे दो घंटे रखें। तो देखिए इस तरीके से आप तेल बनाइए और सिकाई करने के लिए पानी बनाइए और इस तरीके से सरल से नुस्खे को अपनाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।